बाँ में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता। तो हम खोलने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि आजकल जो ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ये जो कोरोना की वबा आई हुई है, अल्लाह पाक हर एक को इससे महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है हम ज्वार की जो है वो काश्त करने लगे हैं, बिजाई करने लगे हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको सब्ज़ी की भी दिखाता हूँ। तो जब तक ट्रैक्टर नहीं आता, चलो ये है कि ये थोड़ी सी जो मैंने वीडियो इसकी भी अपलोड की थी और आपको बताया था ये सब्ज़ी के बारे में भी, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है ये सब्ज़ी भी जो है वो भी अल्लाह के फजल व करम से लगना स्टार्ट हो गई है। ये है देख, ये आपको उधर ये है जी भिंडी, और भिंडी भी आपको दिखाई दे रही होगी माशाल्लाह से। और साथ ये तोरियाँ, मिर्चें कुछ लगाई हुई हैं, कुछ कद्दू लगाए हुए हैं, कुछ पैठा जो है वो लगाया हुआ है। ये भी मैंने चलो बोला कि चलो जब तक वो ट्रैक्टर का वेट कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ ये छोटी सी ये वीडियो भी जो है वो शेयर कर दें। तो ये क्योंकि पीटर में जो है वो डीज़ल डालने के बाद ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो पानी डालना होता है, तो तभी जो है वो जब पीटर हम लोग स्टार्ट करें तो आसानी के साथ जो पानी है वो निकल आएगा। और अगर हम ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे पीटर को तो फिर जो है वो पानी नहीं निकलेगा, फिर हमें दोबारा बंद करना पड़ेगा और फिर जो है इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो कुछ का ऐसा है कि वो बग़ैर पानी डाले भी निकल आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी तरह पानी डालते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पीटर जी। और ये अगर बेल्ट हम लोग भाई उतार दें तो मैं थोड़ा सा एक मिनट जी ये हाथ के साथ थोड़ा इसको ये ऐसे चला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ये जो है ना अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो दोबारा किस कोशिश करेंगे एक दफ़ा स्टार्ट किया नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये चल गया स्टार्ट। ये देखें जी ये तोरियां लगी हुई हैं माशाल्लाह, ये देखें आप दिखाई दे रही होंगी। ये देखें जी जो पानी है वो जो हमारी ये मोटर है इस वाला मीठा है, उस पानी की नस्बत जो है वो ये पानी मीठा है। और हम लोग अभी इसको चला के जो है वो स्पेशली पानी पीने के लिए ये जो है चलाई है ताकि जो है हम ये इसका पानी भर लें, क्योंकि इस साइड पे भी लगी हुआ है जो मोटर आप और उधर भी। तो बस ये जो है वो थोड़ा ये जो आपको मेरे पीछे जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे हम लोगों ने गंदम पहले लगाई हुई थी और अब गंदम काट ली है, और आज इसी जगह पे जो है हमने वो चारे की फसल काश्त करनी है। वो एक जो है पहले भी हम एक साइड पे वो काश्त कर चुके हैं और उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज जो है माशाल्लाह से यहाँ पे भी करने लगे हैं, अभी ट्रैक्टर वाले का वेट है वो, और जैसे ही वो भाई साहब आएँगे हम लोगों ने पानी लगाना है इसके बाद ज्वार की बिजाई के बाद। तो ये भाई साहब जो लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, और मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी शेयर करता हूँ थोड़ा थोड़ा। मैंने बोला साहब कि जब तक ट्रैक्टर नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा जो है जो काम चल रहा है वो आपके साथ शेयर करूँ। और ये हमारे पड़ोस में जो है वो हमारे पड़ोसी आप देख कह सकते हैं कि उन्होंने थ्रेशर लगवाई हुई है क्योंकि हमने तो कम्प्लीट कर लिया माशाल्लाह से, और अभी भी सिलसिला ये वाला चल रहा है हमारे यहाँ। और ये देखे ये छोटे भैया जो है
ये लगे हुए हैं जी, ये सफाई कर रहे हैं। और ये जो है ये सारे के सारे जो हम लोग सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो ताकि पानी इस वाले बड़े वाले खाल से जो है वो आराम से आ सके। और ये देखें माशाल्लाह से, तो जब तक ये वो ट्रैक्टर नहीं आता, हम लोगों ने बोला कि ऐसे बैठने की वजह से ऐसे ही बैठने की बजाय थोड़ा थोड़ा जो है ये साथ, क्योंकि ये पहले भी बाद में भी करना है ये काम, तो क्यों ना है ये साथ साथ जारी रखें ये वाला भी। और माशाल्लाह से ये देखें, ये सारे का सारा आपको दिखाई देगा, एक साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हम लोगों ने करा, फिर ये दूसरी साइड, अभी ये एक साइड पे करके लेके आ रहे हैं ये वाला इस तरह घास उतार के, और फिर जो है इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसी तरह करना है, और फिर सेंटर में भी इसी तरह। तो ये जो है ये सारे का सारा जो है ये साफ़ हो जाएगा और पानी जो है वो आराम से आ सकेगा। सीन चेक करें आप, ये कुछ जो है ये सफ़ेदे के पौधे, हम सफ़ेदा बोलते हैं हम लोगों ने, ये सफ़ेदा भी लगाया हुआ है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसको। ये वाला जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, साथ कुछ जामुन के लगाए हुए हैं, कुछ अंगूर के, कुछ अमरूद के, और ये वाला कमरा जो है हम लोगों ने इधर अपने रूम जो है स्पेशली ये लड़कों का हमारा है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। और ये रहा जी बीज, माशाल्लाह से ये ज्वार का, और इसको पहले जो है वो पानी में डालना, और इस वाले बीज को जो है वो मैं पानी में डालने लगा हूँ, क्योंकि ये जो ज्वार की जो बिजाई होती है उससे पहले अगर ये थोड़ी देर के लिए इसको अगर भिगो के रख दिया जाए तो जो इसके ज़्यादा चांस होते हैं वो अच्छी तरह निकलने के। जी तो मैं अभी आपको जो है वो एक छोटी सी नात सुनाने लगा हूँ, जो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये नात पसंद आई होगी, और इतनी देर में जो है वो ट्रैक्टर वाले भाई साहब भी आ जाएंगे। क्यों लोग ये कहते हैं गम खार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिससे प्यार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिससे प्यार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं गम खार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिससे प्यार नहीं मिलता। वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की, वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की, जिस नगर में सुनने को इनकार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं गम खार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता।
ये देखें जी, ये वाला जो है हम काश्त करने लगे हैं, ये वाला बीज। और ये वाले भाई साहब जो हैं, ये इनको एक्सपीरियंस है ये बीज डालने का। ये अभी डालेंगे जी, और तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हम लोग ट्रैक्टर का वेट कर रहे हैं, और वो अभी तक नहीं है। और अभी पता चला है कि उसे कॉल की है तो पता चला है, वो कह रहा है कि 10 मिनट तक मैं पहुंच रहा हूं। चलें जी, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम लोग जो है वो स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें जी इस तरह जो है ये। और ये बीज फेंकने के लिए किसी एक्सपर्ट आदमी को होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट ना हो और यानी वो ये फेंकना ना जानता हो तो कहीं पे वो ज़्यादा फेंक देगा और कहीं पे बिल्कुल वो फेंकेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है जो एक्सपीरियंस हो जिस शख्स को, वो ही बीज फेंकता है। तो ये भाई साहब को स्पेशली हम लोगों ने जो है वो बुलवाया है बीज डालने के लिए। तो ये जो है 3-4 किलो जो है वो एक कनाल के अंदर हम लोग 3 से 4 किलो जो है वो बीज डालते हैं ये ज्वार का। ये देखें, भाई साहब से ये अभी पहुंचे हैं जी भाई साहब, और ये स्टार्ट कर दिया। ये ये लकड़ी जो है तो बड़े बड़े जो पत्थर बन जाते हैं ये उनको प्रेस करने के लिए जी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।